हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं गुंटूर करम इस मूवी का सिकंजा आलोचक लेकर। आप लोग जानते हैं सुपरस्टार महेश बाबू सर के गुंटूर करम, जिसको बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू पूरे इंडियन मार्केट में मिला है। दर्शक फैमिली के सपोर्ट के वजह से मूवी लाइफ टाइम में और भी बढ़िया कलेक्शन करने का पॉसिबिलिटी है। मिक्स रिव्यू से रिलीज हुआ, लेकिन फर्स्ट टू डेज में मूवी का कलेक्शन बढ़िया है। मूवी 3 दिनों में 200 करोड़ प्लस बिजनेस कलेक्शन करने का भी एक पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट डे में मूवी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया, सेकेंड डे में आकर भी मूवी का कलेक्शन बढ़िया है। बात करेंगे इस मूवी का टू डे सेलेक्शन को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल का। आप लोग जानते हैं टू बॉक्स ऑफिस चैनल हमेशा से ट्राई करते हैं डे बाई डे अपडेट देने के लिए, सारे मूवीज़ का लेटेस्ट अपडेट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचाने के लिए। पर बात करें बजट को लेकर, गुंजूर करम इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपीस। लीड रोल में है सुपरस्टार महेश बाबू सर। इस में सेकंड डे कंप्लीट क्या है, सुपरस्टार महेश बाबू सर के गुंजूर करम पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू के साथ रिलीज हुआ। दर्शक फैमिलियंस के सपोर्ट के वजह से मूवी फर्स्ट डे में 95 करोड़ प्लस बिजनेस किया। मूवी का सेकंड डे कलेक्शन भी बढ़िया है। हमें जैसे एक्सप्रेशन है, गुंटूर करम ने अपने सेकंड डे में उससे भी हायर कलेक्शन किया है। आप लोग जानते हैं दर्शक फैमिली जॉनसन का सपोर्ट नहीं करे तो कभी भी कोई भी फिल्म अच्छे कलेक्शन नहीं करता। गुंटूर करम का सेकंड डे कलेक्शन बढ़िया है, जिसके वजह से हमें लगता है मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन भी बढ़िया होने का पॉसिबिलिटी है। अपने सेकंड डे में आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेशन किया 25 करोड़ रुपीज, ऊपर से मार्केट सेशन किया 14 करोड़ रुपीज, वाला मार्केट सेशन किया 42 करोड़ रुपीज, टोटल इसमें घोषण है 137 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक गुंटूर करम नहीं देखा, देख लेना। सुपरस्टार महेश बाबू सर के ये फिल्म लाइफ टाइम में 270 से 280 करोड़ प्लस बिजनेस कलेक्शन करने का पॉसिबिलिटी है। अगर मूवी का पॉजिटिव रिव्यू मिलता तो मूवी लाइफ टाइम में हमें लगता कम से कम 300 या 400 करोड़ प्लस बिजनेस भी कर सकता था, पॉजिटिव रिव्यू मिलता तो। लेकिन पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला, मिक्स रिव्यू मिला, जिसके वजह से मूवी का कलेक्शन डे बाई डे कम होने का पॉसिबिलिटी है। धन्यवाद।